हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का हार्ट शेप का एंड फ्लैट डिज़ाइन क्रिएट करना सीखने वाले हैं, और हम साथ में यह भी जानेंगे कि आप परफेक्ट हार्ट शेप कैसे क्रिएट कर सकते हो एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन से एक नया प्रोजेक्ट ओपन करिए। यहाँ पर मैं कॉमन सा वर्क स्पेस क्रिएट करूँगा, देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले अब हम हार्ट शेप बनाना सीखने वाले हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट एम का यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करिए जहाँ पर आप स्क्वायर क्रिएट करेंगे। मैं इसे कर देता हूँ डिसेबल। मैं अराउंड 200 बाई 200 का एक रेक्टेंगल यानी कि स्क्वायर क्रिएट करूँगा, देन क्लिक ऑन ओके। इसकी फिल को आप नॉन रख सकते हैं, स्ट्रोक को एज इट इज रहने दे सकते हैं। वी शॉर्टकट से नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ सकते हैं आप। इस शेप को सिलेक्ट कीजिए और अल्ट बटन के साथ इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करिए और इसे सेंट्रली ऊपर में ले जाइए और डायरेक्टली इंटरसेक्ट पॉइंट पर यानी कि सेंटर जहाँ पर देखने को मिले वहाँ पर प्लेस कर दीजिए। फिर से इस शेप को सिलेक्ट कीजिए, अल्ट के साथ इसे ड्रैग कीजिए और सेंटर पॉइंट पर ले जाके इसे इस तरह से पोजीशन कर दीजिए। तीनों को शेप को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंडर में रोटेट को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पर 45 डिग्री देंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। इस तरह से रोटेशन होने के बाद इन तीनों शेप को सिलेक्ट किए रहेंगे। आप ये शॉर्टकट का यूज करिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ जाइएगा। इसके बाद ये जो एंकर पॉइंट है ये रेडियस को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट बटन को प्रेस किए रहिए, ये एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करिए, ये वाला भी और ये लास्ट वाला। इन चारों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और इसे कुछ इस तरह से ड्रैग कीजिए। इसके बाद हमारा हार्ट शेप कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। अब हम नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ जाते हैं। वी शॉर्टकट का यूज कीजिए, इन शेप को फिर से सिलेक्ट करिए। अब आप शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करिए, इसके लिए शिफ्ट एम का यूज कर सकते हैं और इन सारे शेप को मर्ज कर दीजिए। फिर आपका कुछ ऐसा परफेक्ट हार्ट शेप क्रिएट हो जाएगा। अब नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ जाइए, इस शेप को सिलेक्ट किए रहिए। विंडोज वाले ऑप्शन के अंडर में आप अलाइन बटन को इनेबल कर सकते हैं और इसे मैं कर लेता हूँ सेंट्रली अलाइन। अब मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा जहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। ये रेक्टेंगल क्रिएट किया, मैं इसकी जो स्ट्रोक है वो नन कर देता हूँ और इसकी फिल को मैं कर दूँगा समथिंग लाइक दिस कलर। आप चाहे तो कलर को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आएंगे, वन टाइम राइट क्लिक करेंगे और इसे अरेंज कर लेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। वी से नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ जाइए, इस शेप को फिर से सिलेक्ट करिए। हर्ट शेप को आप चाहे तो इसे स्केल कर सकते हैं। इसको सेंट्रली स्केल करने के लिए शिफ्ट और अल्ट दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे और फिर इसे ड्रैग करेंगे ताकि ये सेंट्रली फुली स्केल हो जाए। स्केल होने के बाद इस शेप को सिलेक्ट कीजिए और इसकी जो स्ट्रोक है उसे कर दीजिए नन और उसकी जो फील है इसे कर देंगे हम रेड इन कलर। देन आप नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ जाइए, इस शेप को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ इस शेप को भी सिलेक्ट करिए और यहाँ पर राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं या फिर कंट्रोल जी का यूज कर सकते हैं। ग्रुप हो जाने के बाद इस शेप को सिलेक्ट किए रहेंगे, इफेक्ट के अंडर में जाएंगे और यहाँ पर आपको 3D एंड मटेरियल के अंडर में इन्फिलेट इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये डेप्थ की वैल्यू आप अराउंड 1246 डाल देंगे पिक्सल और रिमेनिंग थिंग्स को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर मटेरियल वाले सेक्शन के अंडर में जाएंगे और इसकी रफनेस अराउंड 0.15 डाल देंगे। मेटालिक प्रॉपर्टी को 0.22 डाल सकते हैं। लाइटनिंग को एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर ये जो एरो है रेंडर सेटिंग को उसे ड्रैग करेंगे। यहाँ पर रे ट्रेसिंग को इनेबल कर देंगे। देन यहाँ पर जो क्वालिटी है उसे हाई रखेंगे। फिर आपको कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि ये रे ट्रेसिंग वाले ऑप्शन के अंडर में ये रिड्यूस नॉइज को और रेंडर एज ए वेक्टर दोनों को सिलेक्ट करेंगे और रिमेंबर एंड अप्लाई ऑल पे सिलेक्ट करेंगे। क्वालिटी को हाई रख के आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।